एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 15 इफ ए मैट्रिक्स 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 1 1 माइनस 2 एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 बाय 3 का फाइंड ए इनवर्स आपको इसका ए इनवर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यहां से जो आप ए इनवर्स कैलकुलेट करेंगे उस ए इनवर्स का यूज करके सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये नीचे सिस्टम ऑफ इक्वेशन मतलब तीन इक्वेशन लिखे हुए हैं इनको सॉल्व करना है जैसा बोल रहा है वैसा करना है पहले आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ हम इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके ए इनवर्स निकाल लेते हैं यहां से जो ए इनवर्स आएगा फिर उस ए इनवर्स को आपको अलग से नहीं निकालना जैसे अपन इक्वेशन के लिए कल निकाल रहे थे अलग से नहीं निकालना वो जो ए इनवर्स निकलेगा उसका यूज करके ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को अपन मैट्रिक्स मेथड से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से कैसे सॉल्व करते हैं सबसे पहले अपन जो मैट्रिक्स रहता है उसका डिटरमिनेंट क्लियर करते हैं इज नॉट इक्वल टू जीरो आता है फिर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आने के बाद में उसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है फिर हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं और फिर ए इनवर्स का फॉर्मूला था अपने पास में 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए उससे ए इनवर्स निकालते हैं और ए इनवर्स निकालने के बाद अपने पास में फॉर्मूला था एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी इसका यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल देते हैं इक्वेशन को सॉल्व कर ऐसा किए लेकिन अब आपको वैसा ए इनवर्स आपको वैसा कैलकुलेट नहीं करना आपको डायरेक्ट ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो मैट्रिक्स का ए इनवर्स कैसे निकालते पहले वो निकाल लेंगे अपन फिर वहां से जो ए इनवर्स अपना निकलेगा वो ही निकलेगा जैसा अपन ये इक्वेशन से सॉल्व करके निकालते थे मतलब इक्वेशन से पहले मैट्रिक्स बनाते थे ये इक्वेशन से यदि मैट्रिक्स बनाएंगे तो यही वाला मैट्रिक्स बनेगा जो ऑलरेडी दिया ये वाला तो ए इनवर्स जो अपना यहाँ से निकलेगा उसी का यूज करके अपन डायरेक्ट ये वाले इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी यहाँ से ए बी की वैल्यू आपके पास में रहेगी एक्स की वैल्यू भी रहेगी बाद में अपन इसको सॉल्व मतलब इसमें दो क्वेश्चन पहले ए इनवर्स निकालो इस मैट्रिक्स का उसका यूज करके ये इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो ठीक है तो अब अपने को इसका ए इनवर्स कैलकुलेट करना है तो ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालता हूं डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बना लो ये डंडिया हटा दो 2 3 1 -3 2 1 -4 -2 ये डिटरमिनेंट है अपने पास अब इसको देखो ये 3 by 3 का डिटरमिनेंट है इसमें कोई जीरो अपने को दिख नहीं रहा तो इसको एक्सपांड कर लेते किसके रिस्पेक्ट में कर लो आसान एलिमेंट यहाँ दिख रहा है आपको इसमें माइनस का साइन दिख रहा है इसमें नहीं दिख रहा तो C1 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं R1 के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं तो मैं क्या करता हूँ मैं जो एलिमेंट आसान दिखाई देते हैं उसके रिस्पेक्ट में तो इसके कंपैरिजन में ये वाले देखो ये ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं ये ज्यादा अच्छे इसलिए दिख रहे हैं कि इसमें एक जगह माइनस है इसमें सब प्लस प्लस वाले तो प्लस वाले अच्छे होते तो मैं C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर देता मैंने C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर रहा किसी ने R1 के रिस्पेक्ट में कर लिया तब भी ठीक है लेकिन मैं आसान एलिमेंट के रिस्पेक्ट में करता हूँ एक्सपांडिंग अलोंग C1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये वाले 2 के सामने का साइन लेना है तो 2 देखो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में 1 + 1 2 इवन नंबर आ गया तो प्लस का साइन 2 अब इसका माइनर ले लो ये 2 जिस रो में इस रो को छोड़ दो और इस कॉलम को छोड़ दो 2 1 -4 -2 2 1 -4 -2 उसके बाद ये वाला 3 लेना है तो 3 देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 3 ऑड नंबर ये प्लस आ गया तो माइनस प्लस माइनस ऐसा आता है पहला प्लस आ गया तो दूसरा माइनस ले सकते -3 इसका माइनर ले लो -3 का माइनर इस रो को छोड़ दो इस कॉलम को छोड़ दो -3 1 5 -2 -3 1 5 -2 उसके बाद में ये वाला एलिमेंट ये प्लस माइनस प्लस आ जाएगा +1 इसका माइनर ले लो इसको ऐसा भी देख सकते हैं फर्स्ट रो में है थर्ड कॉलम
थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, 3 + 1 = 4, इवन नंबर तो प्लस आ गया। इसका माइनर लेना है, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, क्या आएगा, -3 = 2, 5 - 4, -3 = 5 - 4 आया। चलिए 2 by 2 के इसको सॉल्व कर दे, सही लिखे ना एलिमेंट, तो विच इज इक्वल टू, ये 2 है, 2 - 2 = -4, -, प्लस हो जाएगा, 4 - 1 = 4, -3, -3 - 2 = -, -+6, -5 + 1 को छोड़ दो, 3 ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, 3 × 4 = 12 हो जाएगा प्लस का, -2 × 5 = 10, इसको सॉल्व करो, ये -4 + +4 गेट्स कैंसिल, 2 × 0 तो 0 हो गए, ये हो जाएगा आपका 6 - 5 = 1, 1 का इंटू -3 में करेंगे तो -3, और 12 - 10 करेंगे तो 2, -3 + 2 कितना हो जाएगा, -1, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसका मतलब ये है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स निकालने के लिए अपने पास में डिटर्मिनेंट तो आ गया, अब इसका एडजॉइंट निकालेंगे, 3 by 3 का है तो 3 by 3 के लिए एडजॉइंट के लिए तैयार रहे, और बड़ा वाला मैट्रिक्स बना के उसके अंदर 9 डिटर्मिनेंट लिखेंगे, ठीक है ना, यही प्रोसेस है, इनवर्स निकालने के लिए डिटर्मिनेंट आ गया, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल, तो एडजॉइंट ऑफ ए के लिए मैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स को लिख के रख लेता हूँ, मेरे को एलिमेंट देखने में आसानी रहेगी, हाँ ए मैट्रिक्स जो है उसको लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, क्या है 2 3 1 आपके सामने लिखा है, -3 - 2 - 1 - 3 - 2 - 1 और थर्ड कॉलम में 5 - 4 - 2 - 5 - 4 - 2, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिख के रख लिया, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल 1 2 3, इसके ऊपर इसका डैश भी लगा दिया मैंने, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा अपने, 4 ये 4 5 और ये 6, 3 और बना लो, 7 8 और ये 9, ये सारे एलिमेंट के कोफैक्टर लिख देंगे और उसका ट्रांसपोज लगा दिया मैंने, है ना। अब इसके सामने प्लस माइनस का साइन लेते हैं, ये वाला देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का 1 + 1 = 2, इवन नंबर तो प्लस लगा दो इसके हमने, ये प्लस हो गया, उसके बाद वाला माइनस, ये माइनस, उसके बाद में ये वाला प्लस, फिर ये वाला माइनस ले लो, फिर ये वाला प्लस, ये माइनस, फिर ये वाला प्लस, उसके बाद का माइनस, ये माइनस, और ये लास्ट वाला प्लस, 4 माइनस आएंगे और 5 प्लस, प्लस माइनस से चलते जाओ, सब कर लिए अपन ने, अब बस आपको इसके अंदर एलिमेंट भरना है। अब इसके माइनर लेते जाना, देखो ये 2 का, इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा, 2 - 1 - 4 - 2, 2 - 1 - 4 - 2, उसके बाद ये वाले 3 का, -3 का, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 3 - 1 - 4 - 2, 3 - 1 - 4 - 2, उसके बाद ये वाला 5, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, 3 - 1 - 2 - 1, 3 - 1 - 2 - 1, अब आ जाओ सेकेंड रो में, तो ये 3, इसका माइनर लेना है, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, -3 - 1 - 5 - 2, -3 - 1 - 5 - 2, उसके बाद ये वाला 2, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, 2 - 1 - 5 - 2, 2 - 1 - 5 - 2, उसके बाद ये वाला -4, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, 2 - 1 - 3 - 1, 2 - 1 - 3 - 1, उसके बाद ये लास्ट वाला -4, ये हो गया ना,
थोड़े से 2 1 माइनस 3 1 हो गए। ये वाली रो में आओ, इस 1 को इस रो के अंदर इसको छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, माइनस 3 2 5 माइनस 4 माइनस 3 2 5 माइनस 4। उसके बाद ये वाला 1 इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को 2 3 5 माइनस 4 2 3 5 माइनस 4। उसके बाद ये लास्ट वाला इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को 2 3 माइनस 3 2 2 3 माइनस 3 और 2। इसका ट्रांसपोज मैंने लगा दिया, देखना बेटा सही लिखे हैं, कुछ गड़बड़ हो जाए तो बताना, ध्यान से करेंगे तो गड़बड़ नहीं होगा। अब डायरेक्ट सॉल्व करके लिखना, देखो 2 2 जा माइनस 4 और ये प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 4 जीरो हो जाएगा, सामने प्लस है तो जीरो आ जाएगा, यहाँ पे सामने माइनस है, 3 2 जा माइनस 6 और ये प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 4 कितना होगा माइनस 2 और सामने माइनस है तो प्लस 2 हो जाएगा। ध्यान से सॉल्व करना, ये 3 बन जा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 करेंगे तो वह, उसके बाद यहाँ आ जाओ सामने माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 करेंगे तो 1 आएगा और सामने माइनस है तो माइनस होगा, 2 2 जा माइनस 4 और ये माइनस 5, माइनस 4 माइनस 5 माइनस 9 हो जाएगा, सामने प्लस है, उसके बाद ये सामने माइनस है, 2 1 जा 2 और ये प्लस 3, 3 माइनस 2 कितना हो जाए, ये प्लस 3 हो जाएगा और ये 2 5 हो जाएगा, सामने माइनस है तो माइनस 5। उसके बाद यहाँ जाओ 3 4 जा 12 प्लस का हो जाएगा माइनस 10, 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 हो जाएगा, सामने माइनस है, 2 4 जा माइनस 8 माइनस 15, माइनस 15 और माइनस 8 कितना हो जाएगा माइनस 23 और सामने माइनस है तो प्लस 23। उसके बाद 2 2 जा 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 प्लस 9 13। इसका ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज लेना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाओ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम लिखेंगे 0 2 1, सेकंड रो को सेकंड कॉलम माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाओ 2 23 13। ये आ गया भैया आपका एडजॉइंट ऑफ है, देखो सही है, चलो देखो अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया अपने पास में, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस वन है, अब डायरेक्ट इनवर्स निकाल लेते, टेंस ए इनवर्स इक्वल टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एन टू एडजॉइंट ऑफ ए, हाँ ले लेता हूँ, क्या हो जाएगा ये ए इनवर्स के इक्वल चल रहा है अपना, वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है माइनस वन है, देख लो माइनस वन है कि नहीं, ये रहा माइनस वन ना, और यहाँ पे एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स लिख लेते हैं, क्या एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स ये निकला, 0 2 1 माइनस 1 माइनस 9 माइनस 5 2 23 और ये 13। अब देखिए सामने माइनस 1 है तो माइनस 1 का अंदर इंटू करके इसको हटा देते, माइनस 1 का इंटू कर दो, करो जीरो में करेंगे तो जीरो ही रहेगा, टू में करेंगे तो माइनस टू, वन में करेंगे माइनस वन, माइनस वन में करेंगे वन, माइनस नाइन में करेंगे नाइन, माइनस फाइव में करेंगे फाइव, टू में करेंगे तो माइनस टू, ट्वेंटी थ्री में करेंगे तो माइनस ट्वेंटी थ्री, थर्टीन में करेंगे तो माइनस थर्टीन। ये आपका ए इनवर्स आ गया, क्या आया ए इनवर्स जीरो, ये आंसर हो गया आपका, ठीक है भाई, ये इनवर्स आ गया, एक आंसर आ गया ना, 0 माइनस 2 माइनस 1 195 माइनस 2 माइनस 23 माइनस 30। अब क्या करना है हमको, इस ए इनवर्स का यूज करके जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करते हैं, ये तो एक क्वेश्चन था, अब दूसरा क्वेश्चन इससे जुड़ा, इसका यूज करेंगे, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कौन से हैं ये वाले है ना, अब ये तीनों इक्वेशन को वहां पे लिख लेते हैं, ये ले लिया भैया मैंने इक्वेशन, आप लिखना पड़ेगा तीनों इक्वेशन यहाँ पे कॉपी कर लो,
ठीक है। अब इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे, सिर्फ ए इनवर्स निकालना नहीं है अपने। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी है। यहाँ पे मैट्रिक्स लिख देते हैं अपन, ए मैट्रिक्स बना लो। देखो यही वाले कोएफिशिएंट लिखना है, टू माइनस थ्री फाइव, टू माइनस थ्री फाइव, थ्री टू माइनस फोर और वन वन माइनस टू, वन वन माइनस टू। एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल हैं, तो एक्स वाई जेड। उसके बाद बी वाला मैट्रिक्स आपका राइट साइड में जो एलिमेंट है उसको लिख लो, इलेवन माइनस फाइव और माइनस थ्री। ऐसे ही करते हैं आप। अब देखो ये वाला ए मैट्रिक्स है, अब चेक करो कि अपना जो ए मैट्रिक्स था वो यही वाला था कि नहीं था। अगर यही वाला रहा होगा तो इनवर्स उसका वही आएगा जो वहां पे आया था। देखो टू थ्री वन माइनस थ्री टू वन और फाइव माइनस फोर टू। देखो ए वाला मैट्रिक्स टू थ्री वन, थ्री माइनस टू वन, फाइव माइनस फोर माइनस टू, वही है, सेम है। जो मैट्रिक्स अपने गिवन था वो यही है, मतलब जब अपन इसका इनवर्स निकालेंगे तो यही वाला है। ये आपको अब अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। और ए इनवर्स निकला है इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट भी अपने पास में है माइनस वन के इक्वल, तो अब आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आपको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला रखना, मैच करके देखिए, ये मैच हो जाएगा आपके वो वाले ए मैट्रिक्स। अब अपन डायरेक्ट सेंस एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स, अब वैल्यू रख दो आप। ए इनवर्स अपन ने निकाली लिए है अभी, बी अपने पास में ये वाला है, एक्स अपने पास में ये वाला, रखो वैल्यू। एक्स वाई जेड और ए इनवर्स का यूज कर रहे हैं अपन, ए इनवर्स अपने पास में निकाल के रखे अपन ने, यही वाला ए इनवर्स कौन सा, ये वाला, जीरो माइनस टू माइनस वन, जीरो माइनस टू माइनस वन, वन नाइन फाइव, वन नाइन फाइव और थर्ड कॉलम में है माइनस टू माइनस ट्वेंटी थ्री माइनस थर्टीन, माइनस टू माइनस ट्वेंटी थ्री माइनस थर्टीन, यही है ना। उसके बाद ये वाला मैट्रिक्स इन टू इन टू बी, एलेवन माइनस फाइव और माइनस। अब देखो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, तो इसका ऑर्डर थ्री बाय, इसका ऑर्डर क्या है, थ्री बाय थ्री है और इसका ऑर्डर है थ्री बाय वन। देखो इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, तो आप जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो थ्री बाय वन का मिलेगा, थ्री रो और वन कॉलम का। तो थ्री रो और वन कॉलम के हिसाब से अपन बना लेते हैं, इतने में आ जाएगी थ्री। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते, पीछे प्लस लगाए, जीरो इंटू अलेवन जीरो हो गया, जीरो इंटू अलेवन जीरो हो गया, वन इंटू माइनस फाइव करेंगे तो माइनस फाइव और टू इंटू माइनस थ्री करेंगे तो प्लस सिक्स, सिक्स और ये माइनस फाइव कितना हो जाएगा, वन वन होगा, लिख दो वन, तो पहला एलिमेंट वन आ गया। अब ऐसा लिखना है आपको प्लस करके तो वो लिखो, अब यहाँ जगह कम है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फिर सेकेंड रो से करो, आ जाएगा एक ही में तो आ जाएगा, लिख देता हूँ उसको, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता, कर देता हूँ मल्टीप्लाई, देख लो जीरो इंटू अलेवन जीरो, वन इंटू माइनस फाइव माइनस फाइव, माइनस टू इंटू माइनस थ्री प्लस सिक्स। अब सेकेंड रो से कर लो, इसी फर्स्ट कॉलम में माइनस टू इंटू अलेवन माइनस ट्वेंटी टू, नाइन इंटू माइनस फाइव माइनस फोर्टी फाइव, माइनस ट्वेंटी थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस सिक्सटी नाइन हो जाएगा, ट्वेंटी थ्री थ्री जा सिक्सटी नाइन होता। फिर थर्ड रो से कर लो, फर्स्ट कॉलम में माइनस वन इंटू अलेवन माइनस अलेवन,
फाइव इंटू माइनस फाइव करेंगे तो माइनस 25, और माइनस 13 इंटू माइनस थ्री करेंगे तो प्लस 39। इसको सॉल्व कर लो, इधर चल रहा है अपना ये किसके इक्वल, एक्स वाई जेड के इक्वल, एक्स वाई जेड। देखो सिक्स माइनस फाइव वन, इसको देखना ये दोनों माइनस वाले हैं, फाइव टू सेवन, फोर टू सिक्स, माइनस 67 होगा और ये प्लस 69, 69 में 69 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, सॉल्व करके देख लेना। ये 25 माइनस 11, 26, 36 माइनस का हो जाएगा और प्लस 39, 39 माइनस 36 3 हो जाएगा। बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसिस देखो, 3 बाय 1 का ये भी है, 3 बाय 1 का है ये भी है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल रख दो। बाय इक्वालिटी मैट्राइसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस से x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3, बस ये आंसर हो गया आपका, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। देखो हमने क्या किए, उस इनवर्स की हेल्प से जो इनवर्स निकाले थे, उस इनवर्स की हेल्प से अपन ने ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करें, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा वैसा करना, और वैसा नहीं बोलता तो अपन यहां से डिटर्मिनेंट आप ये निकालते पहले, फिर एडजॉइंट निकाल के इनवर्स बनाते और फिर यहाँ पे ये वाले फॉर्मूले वैल्यू होते, तो जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा आपको करना है, हो गया ना। उस इनवर्स का यूज अपने को एक मैट्रिक्स गिवन था, उसका अपन ने इनवर्स निकाला, उस इनवर्स का यूज अपन ने यहाँ कर दिया और सॉल्व करे थे एक्स वाई जेड की वैल्यू वाले, तो क्वेश्चन जैसा जैसा आपको कमांड दे रहा है बस उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, नहीं तो आपने एक बार इनवर्स निकालना सीख लिया बस आप उसी का यूज कर रहे हो तो वो फिर कोई मतलब की बात नहीं निकले, और आसानी से समझ में भी आता है वही वही चीजें कर रहे, क्यों ऐसा उसका यूज करा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो मैट्रिक्स बना और जो मैट्रिक्स आपका पहले गिवन था ये वाला, दोनों सेम ही मैट्रिक्स है, जब मैट्रिक्स के एलिमेंट वही है तो उसका इनवर्स भी वही आना है, लेकिन थोड़ा सा क्या है चीजों को ऐसा ऐसा घुमा के ऐसी चीज दी हुई है कि जो बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है, जो अच्छे से पढ़ता है वो एग्जामिनेशन में उसको आसानी से जाके क्लियरली कर सकता है, और जिसने कंफ्यूज होकर पहले से पढ़ा है तो एग्जामिनेशन के पेपर में जब क्वेश्चन आता है तो घटपड़ा जाता है कि करना कैसे, उसको समझ नहीं आता, कंफ्यूज हो जाता और फिर वो उल्टा सीधा कर देता कैसे, है ना। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए आपके आपके डिटरमिनेंट चैप्टर का अच्छे क्वेश्चन में से एक है, अगर बड़े नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो वो ऐसा आता है, ये आपके बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन में से है। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऐसे ही करना है। एक आखिरी क्वेश्चन है इसका, वर्ड्स प्रॉब्लम, आप इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसको इंफॉर्मेशन को अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स बन जाएगा और फिर आपको वैसे ही सॉल्व करना है जैसा वो बोल, इंपॉर्टेंट बोल सकते वर्ड्स प्रॉब्लम है, कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, इन इन्फॉर्मेशन को पहले अपन मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद फिर उसको सॉल्व करें। चलिए देखिए पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन को, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी और बिल्कुल सिंपल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, द कॉस्ट ऑफ 4 केजी अनियन, 3 केजी वीट एंड 2 केजी राइस इज रुपीज 60। द कॉस्ट ऑफ 2 केजी अनियन, 4 केजी वीट एंड 6 केजी राइस इज 90 रुपीज 90। द कॉस्ट ऑफ 6 केजी अनियन, 2 केजी वीट एंड 3 केजी राइस इज रुपीज 70। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी बाय मैट्रिक्स मेथड। क्या करना है, कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, जितने भी तीन आइटम दिए यहाँ पे, क्या क्या दिया है, अनियन दिया हुआ है, प्याज, वीट मतलब गेहूं और राइस मतलब चावल, तो कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी, पर केजी में उसकी कॉस्ट क्या है बाय मैट्रिक्स मेथड, मैट्रिक्स मेथड से आपको उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करना। देखिए दो चीज रहती है, एक रहती कॉस्ट और एक रहती प्राइस। कॉस्ट मतलब उसको जनरेट करने में या उसको बनाने में जो खर्चा आता है उसको कहते हैं कॉस्ट, और जिसमें अपन खरीदते हैं वो रहती है उसकी प्राइस, सेलिंग प्राइस। यहाँ प्राइस नहीं पूछ रहा हो, इसमें अपन करेंगे बनाने वाले को जो खर्चा उसके ऊपर आया होगा वो कॉस्ट निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे तीन आइटम है, एक अनियन है, एक वीट है और एक राइस है, पर केजी में उसकी कॉस्ट निकालना है आपको। तो मैं क्या करता हूँ कि 1 केजी अनियन की जो कॉस्ट है वो एक्स रुपीज कंसीडर कर लेता हूँ, 1 केजी अनियन की कॉस्ट एक्स रुपीज, तो 4 केजी बोल रहा तो 4 केजी कितनी हो जाएगी, 4x हो जाएगी। जैसे 1 केजी अनियन की कॉस्ट 10 रुपीज है
10 रुपीज में 1 किलो प्याज आ जाती है, तो 4 किलो प्याज कितने में आएगी, 4 × 10 = 40। तो 1 kg अनियन की कॉस्ट को अपन x ले रहे हैं, तो 4 kg 4x की हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देना। ऐसे ही 1 kg वीट की कॉस्ट को अपन कंसिडर कर लेते हैं y रुपीज, तो 3 kg का 3y हो जाएगा। 2 kg राइस है, 1 kg राइस की कॉस्ट को अपन z ले लेते हैं, z रुपीज, तो 2 kg का 2z हो जाएगा। इसकी टोटल कॉस्ट 60 रुपीज में ये तीन आइटम इतने आ जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये 4x plus 3y plus 2z is equal to 60, एक इक्वेशन बन जाएगा। ऐसे ही फिर दूसरे इंफॉर्मेशन से दूसरा इक्वेशन बना लेंगे, 2x plus 4y plus 6z is equal to 90 रुपीज। तीसरे इंफॉर्मेशन से तीसरा इक्वेशन बना लेंगे, 6x plus 2y plus 3z is equal to 70। तीन इक्वेशन आपके पास में आ जाएंगे, मैट्रिक्स मेथड से तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x, y और z की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू आपकी 1 kg अनियन की कॉस्ट आ जाएगी, y की वैल्यू आपकी 1 kg वीट की कॉस्ट आ जाएगी, और z की वैल्यू जो रहेगी वो 1 kg राइस की कॉस्ट आ जाएगी। बस यही करना, अपने को इक्वेशन बनाना है और उसको सॉल्व करके x, y, z की वैल्यू निकालना, तो इसको लिखना पड़े, ठीक है। चलिए देखिए मैं लिखता हूँ, देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ अनियन, द कॉस्ट ऑफ अनियन वीट, तीनों के इकट्ठे लिख दूंगा मैं, एंड राइस पर केजी बी रुपीज एक्स, रुपीज वाई एंड रुपीज जेड रेस्पेक्टिवली। देखिए हमने क्या किए, द कॉस्ट ऑफ अनियन वीट एंड राइस, तीनों की कॉस्ट पर केजी में वही बोला उसने, रुपीज वन, रुपीज एक्स, रुपीज वाई, रुपीज जेड रिस्पेक्टिवली, मतलब अनियन की एक्स हो गई, वीट की वाई हो गई और राइस की जेड हो गई रिस्पेक्टिवली। तो अब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये कंडीशन थी वो, ये तीन कंडीशन थी वो, तीन इक्वेशन बना लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस, देखो 1 kg कॉस्ट, 1 kg अनियन की कॉस्ट x है, तो 4 kg की 4x हो जाएगी, 1 kg वीट की कॉस्ट को रुपीज वाई लिए, तो 4 kg का 3 kg का 3y हो जाएगा, और 2 kg राइस, 1 kg राइस की कॉस्ट को जेड रुपीज लिए है, तो 2 kg की 2z हो जाएगा, टोटल 60 रुपीज में आ जा रहा है इतना सामान। ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 60। आगे एक इक्वेशन देखो, इक्वेशन किसी चीज से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो रहने दो इसे। फिर सेकंड इक्वेशन, कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg वीट और 6 kg रुपीज 90, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 6z इक्वल टू रुपीज 90 में आ रही है। अब देखो ये वाला इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाता है पूरा, तो क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर लेता हूँ, तो इससे अपना क्या होगा कि कैलकुलेशन जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। जहाँ अपने को 90 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ 45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इक्वेशन डिवाइड हो रहा है तो उसको आप डिवाइड करो, इसको लिख लेते हैं x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 45। अगर आपने डिवाइड नहीं करे तो भी आंसर आपका ठीक आएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। तो दिख रहा है कि हर एक क्वांटिटी 2 से डिवाइड हो रही, तो 2 से डिवाइड करो। थर्ड वाली इंफॉर्मेशन है, द कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस 70 रुपीज का। 6 kg अनियन की कॉस्ट 6x, 2 kg वीट की कॉस्ट 2y और 3 kg राइस की कॉस्ट 3z इज इक्वल टू रुपीज 7। अब ये डिवाइड नहीं होता है, ये 3 आ गया इसलिए डिवाइड नहीं होता, इसको ऐसी रहा। तो ये तीन इक्वेशन आया आपके पास, कौन से 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 45 और 6x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 7। अब ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी, कोई अपना आंसर होगा, अपन ने पर केजी में उसकी कॉस्ट कंसिडर कर ही लिया है पहले, है ना। तो आप ये जो तीन इक्वेशन है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन हो गया, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए एक्स इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख देते हैं। दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैन बी रिटन एज, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इसको ऐसे लिख रहे हैं अपन,
एक्स इज इक्वल टू बी, ए वाला मैट्रिक्स बना लो, एक्स वाई जेड की कोफिशियंट लिख लेते अपन। देखो पहले वाले से 4 3 2, 4 3 2, दूसरे वाले से 1 2 3, 1 2 3, और थर्ड वाले से 6 2 3, 6 2 और ये 3, ये आपका ए मैट्रिक्स आ गया। अब तीन वेरिएबल हैं तो एक्स वाले को एक्स वाई जेड लिख लो, एक्स वाई जेड, और बी वाला मैट्रिक्स राइट साइड से लिख दो। बी वाला मैट्रिक्स क्या है, 60 45 70, 60 45 और ये 70, ऐसा आ गया भाई। अब देखो ये जो मैट्रिक्स है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने को एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले डिटरमिनेंट आप ए निकालते हैं इसका, ये ए मैट्रिक्स है इसी का डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए, जो ए मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट बना लो, देख के लिख लो भाई। 416, 416, 322, उसके बाद 233, ये आ गया। अब देखो ये 3 बाय 3 का डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व करना है, कहीं कोई जीरो नहीं दिख रहा अपने को, सब एलिमेंट एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो किसी के भी रिस्पेक्ट में कर दो। मैं इसको R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर देता हूँ, एक्सपांडिंग अलोंग R1 के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में एक्सपांड कर रहे हैं, करो। डिटरमिनेंट ऑफ ए, अरे आर्यन लिख रहे हैं तो बातचीत कर रहे हैं, नहीं लिखते भी जाना है, हाथ में पेन रखो। ये 4 के सामने प्लस का साइन आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, 1 + 1 2, इवन नंबर तो प्लस आ गया, इसका माइनर ले लो, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को 2 2 3 3, 2 2 3 3, उसके बाद ये वाला 3 फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में 1 + 2 3, ऑड नंबर तो माइनस आ जाएगा, ये -3, इसका माइनर ले लो, इस रो को छोड़ दो जिसके अंदर 3 है, इस कॉलम को छोड़ दो, 1 6 3 3, 1 6 3 3, उसके बाद ये वाला 2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 + 3 4 हो गया, इवन नंबर है, 1 + 1 - ऐसा आता ही है, ये +2, इसका माइनर ले लो, इस रो को छोड़ दो इस कॉलम को छोड़ दो, 1 6 2 2, 1 6 कर दो इसको सॉल्व, ये 4 है, 2 3 = 6 -3 2 = 6 -3, 1 3 = 3 -6 3 = 18 +2, 2 1 = 2 -6 2 = 12, ये -6 +6 कैंसल्ड, ये 0 हो गया, 0 × 4 0 हो गए, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, -3 -18 -15 हो गया, -15 -3 का इंटू करेंगे तो +45, ये 2 - 12 करेंगे -10, -10 में 2 का इंटू करेंगे तो -20, 45 -20 कर देंगे तो 25 प्लस का आ जाएगा, 25 प्लस का आ गया, इसका मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो आ गया, इसका मतलब ए इनवर्स एक्सिस्ट इन नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया, देयरफॉर ए इनवर्स एक्सिस्ट, ए इनवर्स एक्सिस्ट करेगा, इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अब अपने को ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन एडजॉइंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट तो अपने पास में है 25, अब अपने को इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट के लिए पूरा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा 3 बाय 3 का, तो मैं इस साइड में दे देता हूँ, यहाँ दे देता हूँ, यहाँ पे मैं ए मैट्रिक्स लिख लेता हूँ, पहले मुझे जरूरत पड़ेगी ए मैट्रिक्स की, ए मैट्रिक्स क्या है अपना, ये वाला 416, 416, 322, 322 और 233, 233, ये कोई गड़बड़ी ना हो इसलिए मैंने यहाँ लिख के रख लिया, आपको तो दिखता है आपकी कॉपी में सामने, तो कोई दिक्कत। अब एडजॉइंट के लिए ये 9 एलिमेंट के 9 कोफैक्टर्स लिखना पड़ेगा और उसका ट्रांसपोज देना पड़ेगा,
एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, जब हम एक दो तीन, तीन में आ जाएगा यहाँ पे, इसका ट्रांसपोज भी लगा दिया, बाद में भी लगा सकते हैं, चार पूरे नौ बनाना, पांच छः सात आठ और ये नौ, उसका डैश लगा दिया मैंने यहाँ पे, ये ट्रांसपोर्ट लगा दिया, ठीक है। अब चलिए इसके साइन, पहला वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है वन प्लस वन, टू इवन नंबर आ गया तो प्लस आ गया, दूसरा वाला माइनस आ जाएगा, तीसरा वाला प्लस, चौथा वाला माइनस, पांचवा वाला प्लस, छठवा वाला माइनस, सातवा वाला प्लस, आठवा वाला माइनस और नब्बे वाला प्लस। देखो चार माइनस आएंगे, बाकी के पाँच प्लस रहेंगे, सही है। अब आपको खाली यहाँ पे एलिमेंट रखना है, माइनर लिखना, ये फोर, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, टू टू थ्री थ्री, टू टू थ्री थ्री, फटाफट भर सकते हैं आप इसको। फिर ये थ्री के लिए, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम, वन सिक्स थ्री थ्री, वन सिक्स थ्री थ्री। फिर ये वाले टू के लिए, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, वन सिक्स टू टू, वन सिक्स टू टू। इसके बाद ये वाले सेकेंड रो में आओ, इस वन के लिए, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, थ्री टू टू थ्री, थ्री टू थ्री। उसके बाद ये वाले टू के लिए, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम, फोर सिक्स टू थ्री, फोर सिक्स टू थ्री। उसके बाद ये वाले थ्री के लिए, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, फोर सिक्स थ्री टू, फोर सिक्स थ्री टू। उसके बाद ये वाले सिक्स के लिए, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, थ्री टू टू थ्री, थ्री टू टू थ्री। उसके बाद ये वाले टू के लिए, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, फोर वन टू थ्री, फोर वन टू थ्री। और लास्ट वाले एलिमेंट के लिए, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को, फोर वन थ्री टू, फोर वन थ्री टू, फोर वन थ्री टू। कहीं लिखा गया सब? चलिए अभी टू बाय टू के इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। देखो टू थ्री जा सिक्स, माइनस टू थ्री जा सिक्स, जीरो हो गया, यहाँ माइनस है, वन थ्री जा थ्री, माइनस सिक्स थ्री जा एट्टीन, थ्री माइनस एट्टीन माइनस फिफ्टीन हुआ, और सामने माइनस है तो प्लस फिफ्टीन हो जाएगा। उसके बाद वन टू जा टू, माइनस ट्वेल्व, टू माइनस ट्वेल्व माइनस टेन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आ जाओ, सामने माइनस है, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस फोर फाइव, और सामने माइनस है, माइनस फाइव। उसके बाद फोर थ्री जा ट्वेल्व, माइनस सिक्स टू जा ट्वेल्व, जीरो। उसके बाद फोर टू जा एट, सिक्स थ्री जा एट्टीन, माइनस का एट माइनस एट्टीन माइनस टेन, और सामने माइनस है तो प्लस प्लस टेन, सही है। उसके बाद यहाँ आ जाओ, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस फोर, नाइन माइनस फोर फाइव। उसके बाद फोर थ्री जा ट्वेल्व, माइनस टू टेन, और सामने माइनस है तो माइनस टेन। उसके बाद फोर टू जा एट, माइनस थ्री, एट माइनस थ्री फाइव, और इसका ले लो डैश, इसका ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज हटाने के लिए, हटाने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, जीरो फिफ्टीन माइनस टेन, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, माइनस फाइव जीरो टेन, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, फाइव माइनस टेन और ये फाइव। ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए भी है और डिटरमिनेंट ऑफ ए भी है, तो आप ए इनवर्स निकाल सकते हो। सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, क्या हो जाएगा ये, ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, कितना है देख लो जरा पीछे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे अपन, कितना है 25 ना, 25 देख लो इसको, वन अपॉन 25
और एडजॉइंट आपने अभी निकाले, ये रहा एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स, 0 15 -10 -5 0 10 5 -10 5। अब देखो ये 25 है, 25 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में आएंगे सारे नंबर, है ना, तो रहने दो ऐसे, बाद में कर देंगे। तो आप ए इनवर्स आ गया आपके पास में, एक्स वाला मैट्रिक्स है ये एक्स वाई जेड, और बी वाला मैट्रिक्स भी अपने पास में, तो आप डायरेक्ट एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी वाला फॉर्मूला रख के उसमें वैल्यू रखते हो। मैं अगले पेज में रखता हूँ, है ना, सेंस एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, वैल्यू रखो इसकी, एक्स की वैल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स, ए इनवर्स अभी निकाले अपन ने, देख लो ये वाला इनवर्स 1/25 है सामने, 1/25 देना पड़ेगा, 1/25 ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स है पूरा, ये लिख दिया और इसको लिखो 0 15 -10 0 15 -10 -5 0 10 -5 0 10 और थर्ड कॉलम है 5 -10 5 5 -10 5 इनटू बी वाला मैट्रिक्स, बी वाला मैट्रिक्स है अपने पास, क्या है ये बी वाला मैट्रिक्स देख लो, ये है बी वाला 60 45 70 और ये 7। एक्स वाई जेड की वैल्यू रुपीज में निकालना अपने को, अब देखो ये है 3/3 का और ये है 3/1 का, इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस अपने को नया जो मिलेगा 3/1 का, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/25 को रहने दो भी ऐसे ही, 3/1 का मिलेगा, तीन रो इतने में आ जाएगी, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में कर दो, 0 × 60 तो 0 हो गया, -5 × 45 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25 5 × 4 = 20 +2 = 22 -2 = 25 उसके बाद ये 5 × 7 = 75 350 सेकेंड रो से भी करो 15 × 6 = 90 और 0 तो 900 हो जाएगा, 0 × 45 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, -10 × 70 में करेंगे तो -700 हो जाएगा, फिर थर्ड वाले रो से फर्स्ट कॉलम में कर लो -10 × 60 करेंगे तो -600 10 × 45 करेंगे तो +450 5 × 70 करेंगे तो 7 × 5 = 35 +350 और सॉल्व कर 1/25 है ये, देख लो 350 में से 225 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 10 - 5 करें 5, 4 - 2 करेंगे तो 2 और 1 125 बचेगा, 125 प्लस का बचेगा, उसके बाद ये 700 900 में 700 माइनस करेंगे तो 200, उसके बाद ये 450 और 350 कितना हो गया 500, 800 में 600 माइनस करेंगे तो 200, वन अपॉन 25 को मल्टीप्लाई करिए, 25 से डिवाइड कर दो, 25 × 5 = 125 25 × 200 = 8 times 25 × 8 = 200 25 × 8 times ये वैल्यू आई है आपकी मैट्रिक्स एक्स वाई जेड के इक्वल, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस से एक्स इज इक्वल टू 5 वाई इज इक्वल टू 8 और जेड इज इक्वल टू 8 बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्राइसेस
इक्वालिटी ऑफ मेट्राइसिस से क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू रुपीज फाइव, रुपीज महंगे, वाई इज इक्वल टू रुपीज एट और जेड इज इक्वल टू रुपीज एट पर केजी की कॉस्ट है ये, फाइव रुपीज पर केजी आपके अनियन की कॉस्ट, एट रुपीज पर केजी आपके व्हीट की कॉस्ट और एट रुपीज पर केजी आपके राइस की कॉस्ट मिलता है सोसाइटी में, गांव में मिलता है ये रेट। आंसर चेक करो, चेक करना पड़ेगा क्या आगे, रुपीज फाइव रुपीज एट रुपीज, ये अपन ने पर केजी लिखे नहीं, अपन ने स्टार्टिंग में लिख लिए थे उसको, तो ये डन हो गई अपनी एक्सरसाइज।